पंकज जी पोखंडा साहब भी यहाँ पर बता रहे हैं और इन्होंने भी अपनी एक मजबूत दावेदारी यहाँ प्रस्तुत करी है, ये उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो बताएं कि आपने अपनी दावेदारी प्रस्तुत करी, आपका अधिकार है, पर कांग्रेस पार्टी आपको अपना प्रत्याशी क्यों बनाए, इसके पीछे के कारण बताएं। जी, पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। न्यूज़ चैनल जो लोकतंत्र का चौथा पाया जिसे कहते हैं, उसे मैं नमस्कार करता हूँ। आपने जो सवाल किया है, सन 2000 से मैं 2023 तक लगातार पार्टी के सभी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पार्षद चुनाव, पंचायत चुनाव सभी में सक्रिय होकर जितनी मेरे से हो सका, जितना मेरे पास समय था उतना मैंने समय दिया। दूसरा, मैं 32 वर्षों से व्यापार कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटी उम्र से व्यापारी हूँ और मैंने जो मेरे व्यवसाय है वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, जो जनरल स्टोर से संबंधित है, जिसमें खाद्य सामग्री का रहता है। मेरी दुकान पे 1000 से 2000 लोग रेगुलर आते हैं, जो लोग सामान्य, तो मुझे आज 32 साल से अनुभव है कि जहाँ आम लोगों को एक अपना घर चलाने के लिए कैसे व्यवस्था करनी होती है, किस तरह से उन्हें दौड़ लगानी पड़ती है, कैसे अपना परिवार का भरण पोषण करना, इससे मैं भलीभांति वाकिफ़ हूँ। दूसरा, मैंने कई सामाजिक कार्यों में भी मेरा रुझान रहता है, मैं व्यापारिक संगठनों के लिए भी अपना समय देने का और व्यापारिक आवाज़ उठाने के लिए भी मैं हमेशा दावेदारी करता रहता हूँ। कभी कोई व्यापारी की समस्या हो, आम जन की समस्या हो, ये सारी चीज़ें आप व्यापार कर रहे हैं, आपने संगठन बनाया, उससे पार्टी आपको दावेदार से प्रत्यक्ष क्यों बनाए? पहला भाई, आप व्यापार कर रहे हैं तो राजनीति कोई व्यापार तो है नहीं। राजनीति व्यापार नहीं, आपका सवाल सही है, मैं इसलिए आपको वापस दोहराना चाह रहा हूँ कि मैं विगत 32 वर्षों से व्यापार कर रहा हूँ। मैं राजनीति में व्यापार की दृष्टि से नहीं आ रहा हूँ, पैसा कमाने की दृष्टि से नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर की बड़ी कृपा है, जो ईश्वर को मुझे देना था वो ईश्वर ने मुझे दिया है, मैं संतुष्ट हूँ। अब मुझे राजनीति से कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं राजनीति से पैसा कमाऊं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे 32 साल दिए पैसा कमाने के लिए। अब मेरा थोड़ा मन ये है कि अगर ईश्वर ने मुझे अच्छा सक्षम बनाया तो मैं कुछ जनता के लिए कर सकूं। जी, दूसरा ये है कि मैं अपनी बात इस तरह से भी रखना चाहता हूँ कि मैं पार्टी को ये आश्वस्त करता हूँ, किसी भी तरह से मेरा कभी भी नाम करप्शन में तो नहीं आएगा, ना मैं करप्शन से किसी भी तरह का काम करूँगा, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को बहुत पैसे वाला मानता हूँ, मैं ये है कि मेरे खर्चे ज़्यादा नहीं हैं। जी, हमारे कोई ऐसे कोई इनिशियली इतने कोई बड़े बड़े खर्चे नहीं है जिसकी पूर्ति के लिए हमें भ्रष्टाचार करना पड़े, पहला। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे भी हम इस चीज़ को मानते हैं कि मैं अगर मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो सबसे पहला मेरा जो काम रहेगा उदयपुर से शहर को जिताना, और उसके बाद जीतने के बाद हमें कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ऐसा नहीं करना कि भाई ज़मीन से आसमान नीचे लिया गया। जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, और भी जो भी राजस्थान सरकार के जो उपक्रम हैं, उन्हीं उपक्रमों को, जो उनकी व्यवस्थाएं, उनको सुचारू रूप से और अच्छा करना, ताकि जो अभी राजस्थान सरकार की जो भी स्कीम्स चल रही है और जो भी गहलोत साहब ने इतनी सारी स्कीम्स लागू करी है, उन स्कीमों को रिपीट सरकार के अंदर तैयारी से उनको जन जन तक पहुंचाना, उन्हें जन जन तक सरकार, मतलब रिपीट हो रही है सरकार, रिपीट सरकार की हम कोशिश कर रहे हैं, हर आदमी कोशिश करता है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार रिपीट हो, क्योंकि जितनी घोषणाएं हो चुकी हैं, अगर रिपीट सरकार नहीं होती तो ये घोषणाएं कहीं ना कहीं नई सरकार आने के बाद इन पे विराम लग जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि जो गहलोत साहब का भी इतने वर्षों का अनुभव है, वो अनुभव से इस बार सरकार आवे तो ये जनता के लिए भी फायदा रहेगा। और जो ये जिस तरह से 500 रुपये में गैस की टंकी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध और करना चाहूँगा। साहब ने ये कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूँगा, तो मैं साहब से एक बार और कहता हूँ कि अगर हमारी सरकार, हम मान के चल रहे कि रिपीट आती है, तो हमें एक आश्वासन और देना चाहिए। मेरी भी मांग है और मैं पूरे भारत में जहाँ अपन देख रहे हैं कोई भी स्टेट 500 रुपये में टंकी देने के लिए सोच रहा है और राजस्थान में दी है, तो हम ये चाह रहे हैं कि 720 करोड़ परिवारों में जिस तरह से आप पहुँचे हैं उसी तरह से हमें ये कितने परिवारों में पहुंचे हैं, 720 करोड़ लोग हैं राजस्थान के, उनमें घर घर जाने का जो पहुंचने का जो काम किया है, 720 करोड़ लोग हैं राजस्थान में, 720 नहीं होंगे, थोड़ा मेरा हो सकता है गलती हो जाए, जो राजस्थान की जितनी भी जनसंख्या है जहाँ पर साहब ने पहुँचने की कोशिश करी है, तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी यहाँ परिवार हैं उनको, जैसे सब्सिडी बंद हो गई गैस सब्सिडी, तो 100-125 रुपये भी अगर राजस्थान सरकार राजस्थान के प्रदेशवासियों को अगर सब्सिडी के रूप में देती है, जो भी केंद्र सरकार से बंद है, तो मैं समझता हूँ ये एक अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, प्रत्याशी बनेंगे और नहीं बने तो क्या पार्टी के प्रति तो भी वफादार रहेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे?
मैं सन 2023 तक बराबर वफादार हूँ, मुझे पार्टी टिकट देगी तब भी मैं वफादार रहूँगा, नहीं देगी तब भी वफा रहूँगा, और भविष्य में भी मुझे मौका नहीं मिला तब भी मैं वफादार। अंतिम सवाल, क्या शहरी या बाहरी, अगर आपको मौका नहीं मिलता और किसी बाहरी को मौका मिलता तो भी क्या पार्टी के प्रति काम करेंगे या शहर वाले को टिकट दिलाने के लिए प्रयास करेंगे? ये जो सवाल है आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी का भी विषय होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। ये जो विषय है, हमने पंकज जी पोकंडा से पूछा है, आपका विषय क्या है आप बताएं, आप शहरी को पसंद करेंगे या बाहरी को पसंद करेंगे? पहला तो आम जनता जो भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जनता हमेशा लोकल उम्मीदवार को ही प्रिफर करती है, फिर भी जो पार्टी का निर्णय होगा वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप शहरी को प्राथमिकता देंगे, बाहरी को नहीं देंगे। शहर के किसी भी उम्मीदवार को आप दें, अगर आपको लगता है कि उम्मीदवार किसी भी तरह से ये है तो जो पार्टी का निर्णय वो सर्वोपरि है, हमें है। लेकिन जो जनता के हिसाब से, उदयपुर शहर के हिसाब से है, वो ये है कि एक बार मौका देना चाहिए, भले वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी दो या फिर वो अंतिम पंक्ति में बैठने वाला हो।